नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे एसडीएम के पावर के बारे में, उनके सैलरी के बारे में और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। हर कोई आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बारे में जानते होंगे या फिर आप जानते ही हैं। यूपीएससी की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक मिलते हैं उन्हें आईएएस बनाया जाता है। उससे कम अंक जिनको आता है वो आईपीएस बनते हैं। आईएएस अधिकारियों को जिलाधिकारी बनाया जाता है तो वहीं आईपीएस अधिकारी को एसपी बनाया जाता है। लेकिन आपने इन दोनों नामों के अलावा भी कुछ नाम सामने आए होंगे आपके जीवन में, या फिर अगर आप कभी प्रशासनिक कामों को लेकर सरकार के ऑफिस गए होंगे तब जो है उस दौरान आपको इन नामों के बारे में जिक्र मिला होगा, जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। जैसे कि एसडीएम, डीएसपी के बारे में आज हम जानेंगे कि एसडीएम के कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियाँ कितनी हैं और इनको कितना वेतन मिलता है। एसडीएम को उप जिला अधिकारी भी कहा जाता है। एसडीएम का चयन राज्य सेवा के अंतर्गत आने वाले यह पद में भी डीएम के तहत जो है इनको सुविधाएं मिलती है और उससे थोड़ा सा नीचे, एक रैंक नीचे जो है इनका पद है। बता दें कि यह पद जिम्मेदारी भरा पद होता है। इन्हें हम उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहते हैं। एसडीएम के पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से की जाती है। इस परीक्षा को पीसीएस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीसीएस का मतलब ही हुआ कि स्टेट लेवल पर जो राज्य सेवा आयोग की तरफ से जो परीक्षाएं दी जाती है उसको हम पीसीएस के तहत जोड़ते हैं। जैसे कि बिहार में इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी जो है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जाती है। इसमें लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्र को एसडीएम के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर कार्य करने वाले अधिकारी का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि वो कब से कब तक कार्य करेंगे, यानी कि 24 आवर जो है वो ड्यूटी में होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेवारियां उनके पास होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जो है उनके हिस्से होती है। इस अधिकारी को हर समय कार्य पे तैनात रहना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र में प्रशासन से जुड़ी सभी समस्याओं को देखना होता है। एसडीएम के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20(4) के अनुसार राज्य सरकार एक उपमंडल के प्रभारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट का रखरखाव करती है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार उसे प्रभार से मुक्त भी कर सकती है। उपमंडल के प्रभारी मजिस्ट्रेट को उपमंडल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। एसडीएम पर रहते हुए आप जिलाधिकारी और राज्य सरकार में सचिव बन सकते हैं। अगर हम राज्य प्रशासन सेवा में वरीयता में एसडीएम का पद सबसे ऊपर होता है, तो यानी कि अगर आप एसडीएम हैं तो आपको प्रमोशन के तौर पर आप जो है जिले के जिलाधिकारी यानी कि जिले के मालिक हो सकते हैं। अगर आप उससे भी ऊपर प्रमोशन पाते हैं तो आप राज्य सरकार के सचिव बन सकते हैं। कई विभागों में अलग अलग सचिव हैं। कहा जाता है कि राजनेताओं के जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी जो ज़्यादातर कामों की जिम्मेवारियां जो होती है वो सचिवों के हिस्से होती है, वहीं उनके कामों की देखरेख करते हैं। तो ऐसे में आप समझ लें कि जो एसडीएम बनते हैं वो कितने पावरफुल व्यक्ति होते हैं। आइए अब जानते हैं एसडीएम के वेतन के बारे में। बता दें कि इन्हें कई भत्ते के साथ एक शानदार वेतन मिलता है, साथ ही इन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। अगर हम इनके वेतन के पे बैंड को अगर हम देख लें तो 9300 से 34800 का पे ग्रेड में 5400 के अनुसार इन्हें जो है वेतन मिलता है। इस अधिकारी का वेतन 56100 रुपये तक का होगा, यानी कि इनकी जो शुरुआती वेतन है वो 56100 रुपये की होगी। इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं की अगर हम बात कर लें तो इन्हें एक सरकारी आवास मिलता है, सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, घरेलू नौकर, सरकार की तरफ से वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, फ्री बिजली, राज्य में आधिकारिक यात्रा के दौरान आवास की सुविधा, उच्च अध्ययन के लिए अवकाश, यानी कि अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है इसमें छुट्टी का प्रावधान किया गया है। पेंशन आदि की सुविधाएं राज्यों के हिसाब से उनके वेतन के सुविधा में अंतर देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आप स्टेट के हिसाब से देख लें, बिहार के जो एसडीएम होंगे उनका वेतन उत्तर प्रदेश, झारखंड, रांची, इन सब चीज़ों में जो है बदलाव हो सकता है। आइए अब आखिरी में जान लेते हैं इनकी जिम्मेवारियां। सबसे पहले प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य को लेकर ये जिम्मेवार होते हैं। क्षेत्रीय विवादों पर निपटारा को लेकर साथ साथ आपदा प्रबंधन, ये दोनों जो है अहम चीज़ है, क्योंकि क्षेत्रीय विवाद जो है काफ़ी मामले जो है क्षेत्रीय विवाद के सामने आए, खास करके अगर हम भूमि को देख ले तो ये सबसे ज़्यादा मामला जो है भूमि विवाद को लेकर है। उसके बाद आपदा प्रबंधन, जो बाढ़ वाले इलाके हैं या फिर जो सुखाड़ है तो उन सब क्षेत्रों को जो है कैसे नियंत्रण किया जाए, लोगों को कैसे समझाया बुझाया जाए, ये सारी जिम्मेवारी जो है एसडीएम के हिस्से होती है। राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े जितनी भी जिम्मेवारियाँ हैं इन सब की जिम्मेवारी जो है एसडीएम के खाते में
आती है। राजस्व मामलों का संचालन, राजस्व से जुड़े हुए जितने भी पैसे की देख रेख और कैसे पैसे जो है आ सके, कहाँ कहाँ क्या खर्च होना है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेवारियाँ जो है SDM के खाते में होती है। इसके बाद सीमांकन और अतिक्रमण से निपटारा, ये भी अहम कड़ी है क्योंकि इसमें जो है आप सीधा जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि सरकारी जो ज़मीन है उस पर किसी का अगर अतिक्रमण है तो वहाँ से उसको कैसे हटाया जाए, सरकारी कार्यों में जो बाधा डाल रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी जो है SDM के खाते में आती है। सार्वजनिक भूमि का सर्वेक्षण, भू पंजीकरण, अभी बिहार में जो है भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है, जिसमें कि रैयतों को लेकर काम किया जा रहा है कि कहाँ पे सरकारी ज़मीन है, कहाँ पे जो है रैयत की ज़मीन है, तो उनको जो है अलग अलग करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जो है यह एक बड़ी जिम्मेवारी SDM के पास में आती है। राज्यों में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाना, ये भी एक अहम कड़ी है। राज्यों में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है इनके हिस्से से होता है। विवाह रजिस्ट्रेशन के साथ साथ OBC SC ST के साथ जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की पूरी जिम्मेवारी जो है SDM के पास होती है। इन्हीं के साइन से जो है आपको विवाह का सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आप OBC के तहत आते हैं तो जो आपका OBC सर्टिफिकेट बनता है, या फिर SC ST का सर्टिफिकेट बनता है, या फिर निवास का जो प्रमाण पत्र बनता है, वो सब जो है इन्हीं के पास से बनता है। साथ ही साथ इन्हें विभिन्न प्रकार के पंजीकरण में लाइसेंस देने की भी जिम्मेवारी जो है SDM के खाते में आती है। तो हमने जाना SDM की जिम्मेवारी, उनकी शक्तियाँ और उनके कितने वेतन मिलते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।